6. This is your computer class and we are doing the question answers of chapter 1, that is computer languages. Question number 1, what do you understand by machine language and what are its features? आप मशीन लैंग्वेज से क्या समझते हो और इसके फीचर्स क्या क्या हैं? हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं पहले ही कि मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड. फीचर्स ऑफ मशीन लैंग्वेज, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म 0 and 1. 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन. इट हैज़ वेरी हाई स्पीड. हाई स्पीड इसलिए क्योंकि इसमें किसी कन्वर्टर की तो नीड होती नहीं है, डायरेक्टली मशीन समझ लेती है, तो इसीलिए इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है. लेकिन ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि हमें लिखने में बहुत परेशानी होती है, हम 0 और 1 ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. इट हैज़ वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, और इसके अंदर बहुत कम मेमोरी यूज़ होती है. ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वॉट आर द डिफरेंसेज बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज? Difference between machine language and assembly language. Machine language, it is expressed in binary form that has been already discussed, 0 and 1. And assembly language, it use mnemonic codes. मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, mnemonic codes means जैसे हम किसी भी चीज को असाइन कर देते हैं A से या B से, यानी 0, 1 की पूरे एक जो कोड होता है उसके ग्रुप को हम A, B, ठीक है, ऐसे इस तरीके से कोड में अगर डिफाइन कर दे उसे बोलेंगे मैनिमोनिक कोड. और सिंबल स्टीड ऑफ बाइनरी नंबर, क्योंकि बाइनरी नंबर तो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हम ए और बी तो समझ सकते हैं, तो हम यहाँ पर मैनिमोनिक कोड्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज में यूज होता है, लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, दैट हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड, हैज टू बी कन्वर्टेड इंटू मशीन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेटर. और इसके अंदर मशीन लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है असेंबली लैंग्वेज को. और हमने एक ट्रांसलेटर बताया था असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सी ये ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, असेंबलर का. ठीक है, नेक्स्ट आपके आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, इट इज़ सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज. ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है क्यों? क्योंकि हमें इसकी लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है ना, कोडिंग हम इजीली कर सकते हैं. ठीक है, एक सिंपल यूज़र भी इसकी कोडिंग कर सकता है. इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. और जो मशीन ये जो होती है मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है कि आपको पर्टिकुलर मशीन के लिए, एक मशीन के लिए अलग लैंग्वेज, दूसरी के लिए अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. आप एक मशीन पर जो भी कोडिंग करते हैं वो दूसरी मशीन पर भी चल जाती है, यानी एक कंप्यूटर के लिए जो कोडिंग आप कर रहे हैं वो दूसरे कंप्यूटर पर भी रन हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यस. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 4th generation languages? 4th generation language के फीचर कौन कौन से होते हैं? फीचर्स ऑफ 4th generation languages, इट इज यूजर फ्रेंडली. ठीक है, ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया. इट हैज वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, और इसके अंदर एग्जीक्यूशन की बहुत हाई स्पीड होती है. ठीक है, आप इसको थोड़ा सा स्पीडली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. इट आल्सो रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल, और ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग स्किल के लेवल को डाउन करता है. डाउन करने का मतलब ये नहीं है कि ये वैसे लेवल डाउन कर रहा है, इसमें जो ह्यूमन पावर है, ह्यूमन स्किल्स है, उनका कम यूज़ होता है. ठीक है, आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग ज़्यादा बड़ी प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये प्रोग्रामिंग की स्किल्स के लेवल को रिड्यूस करता है. ठीक है ना, आपको हाई मत यार कि कोडिंग आपकी 1 पेज में ही कंप्लीट हो जाती है. इट नीड मिनिमम एफर्ट फॉर द फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन, और ये मिनिमम एफर्ट को यूज़ करती है किसी भी यूज़र के. ठीक है, तो टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, वॉट आर द डिफरेंसेज बिटवीन इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर, इट कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज इन टू अ मशीन लैंग्वेज लाइन बाई लाइन. इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इन टू अ मशीन लैंग्वेज एट वंस. यस, हैव अ लुक. इंटरप्रीटर जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है लाइन बाई लाइन. ठीक है, एक एक लाइन को चेक करके.
और जो कंपाइलर होता है इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस, ये एक बार में ही ये पूरी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है, मतलब ये एक पेज को एक बार में चेक कर लेती है। नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूशन स्पीड इज स्लो, इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो होती है क्योंकि एक एक क्लाइंट को चेक करती रहती है, ठीक है ना, तो इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। द एग्जीक्यूशन स्पीड इज फास्ट, और इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है फास्ट होती है, ये एक साथ सारी एरर को बताती है एक पेज की, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके एक्सरसाइज हैं उनका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगी, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।